नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण चर्चा, महत्वपूर्ण खबर, संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विमर्श और संविदा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर बिना देरी किए हुए। तो संविदा कर्मी साथियों, आप सभी को पता चल चुका है कि बिहार सरकार ने कल शिक्षा सेवक तालीमी मरकज विकास मित्र सैप पुलिस जवानों के वेतन में उनकी मांगों के अनुरूप वृद्धि किया है। इसके लिए मैं एक बार फिर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने ऐसा नेक कदम उठाते हुए बिहार के महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले संविदा पर नियोजित शिक्षा सेवक तालीमी मरकज और विकास मित्रों के वेतन में हमारी मांगों के अनुरूप लगभग वृद्धि कर दिया है। साथियों, शिक्षा सेवक और तालीमी मरकजों की मांग है कि प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजन एवं राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, जो अभी अधूरा है। यह मांग जारी रहेगी, इस पर जो है कि कार्य हम आगे के दिनों में करेंगे। साथियों, इस खुशखबरी के आने के पहले हमको सारी जानकारी थी और इसका प्रमाण हमारा एक दो रोज पहले का वीडियो आप जाकर देखिएगा तो आपको सारी बातें ज्ञात हो जाएगी कि संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन वृद्धि के संबंध में जब सचिवालय से खबर निकल कर आया तो रात को हमने जो है कि लीक खबर का वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, जिसमें हमने क्या कहा है वह आप वीडियो में देख सकते हैं। शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज विकास मित्रों के वेतन वृद्धि की खुशी आज आप हमारे चेहरे पर देख सकते हैं। आप जो है कि हमारे चेहरे पर उस खुशी को महसूस कर सकते हैं जो उनका वेतन में वृद्धि हुआ है, जो कामयाबी हमको प्राप्त हुई है उसकी खुशी मुझको काफ़ी है, अत्यंत आज हम खुश हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी ही खुशी ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, बिजली विभाग, मानव बल कार्यपालक सहायक, ANM, किसान सलाहकार और पंचायत रोजगार सचिव, ग्रामीण आवास सहायक के चेहरे पर भी हो और इन सभी लोगों के वेतन में 30,000 का वृद्धि करवाने में मुझको सफलता प्राप्त हो। PhD पंप ऑपरेटर और तमाम तरह के जो संविदा पर नियोजित कर्मी चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उन सभी लोगों के वेतन को 30,000 मैं करवा सकूं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए कुछ बातें हैं जो कि जाननी बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि बिहार में अभी भी ऐसे ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मी हैं, यानी कि आपको क्या कहें हम कि अभी बिहार में सबसे कम मानदेय 6,000 रुपया अगर किसी का मानदेय है तो वह ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र का है। यदि इन लोगों के मानदेय में सरकार 2 गुना वृद्धि भी कर देती है तो वह महज 12,000 और 14,000 होगा, जो फिर भी सबसे कम ही रह जाएगा। जबकि इनका नियोजन वर्ष 2007 में पंचायत शिक्षकों के नियोजन के बाद हुआ था और यह बहुत पुराना नियोजन है, लेकिन यह कहते हुए गहरा दुख हो रहा है कि बिहार के ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र आज जो है कि दर दर भटक रहे हैं और जिलत का जीवन यापन करने को मजबूर है, क्योंकि बिहार में सबसे अल्प मानदेय किसी को दिया जा रहा है तो वह ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र है। इसलिए मैं तो इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाऊँगा ही, लेकिन इन लोगों को चाहिए कि अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय ये लोग अपने सभी संघों को एकत्र कर ले और जिलावार रोस्टर तैयार कर रोस्टर बनाकर पटना में एक जिला का एक रोज धरना का कार्यक्रम फिक्स करे। इस तरह 38 जिलों के द्वारा जो है कि 38 दिनों तक पटना की धरती पर जो है कि आंदोलन किया जा सकता है और जो है कि सरकार को दबाव बनाकर 30,000 रुपया वेतन लिया जा सकता है। चूंकि जब आपकी जवाबदेही है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसका प्रतिकार करने की जवाबदेही भी ग्राम कचहरी
सचिव और न्याय मित्रों की भी बनती है। आपको बताते चले कि वार्ड सचिवों से सबक लेना चाहिए, जिनका आंदोलन 265 दिनों चला और उसके बाद 25 सितंबर को बिहार के पुराने वार्ड सचिव अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे हैं और इसके लिए बाजाबता जिलावार रोस्टर वे लोग तैयार कर लिए हैं। आप सोचिए कि जिनको एक रुपया मानदेय नहीं, सरकार ने एक साल पहले उनको कहा कि आपको हटाया जा रहा है, लेकिन वे कितने साहसी हैं, कितने जो है कि धैर्यवान हैं, कितने एकजुट हैं कि आगामी 25 सितंबर से उनका धरना का कार्यक्रम पटना की धरती पर पुनः होने जा रहा है। तो ग्राम कचहरी सचिव जो वर्ष 2007 से लगातार अपनी सेवा दे रहा है, एक रोज का फुर्सत इन लोगों को नहीं है। परिवार तबाह हो गया, बर्बादी के कगार पर चला गया। तो इस तरह मरना है तो पटना में बैठने में क्या हर्ज है? सारे संघ को एकत्रित कीजिए, सचिव लोग दबाव बनावें और एकत्रित करके पटना के धरती पर जिलावार रोस्टर बनाइए और 1,00,000 रुपया चंदा हम ग्राम कचहरी सचिवों के कार्यक्रम में देने का काम अपने तरफ से करेंगे, क्योंकि आपकी परेशानी अब हमको देखी नहीं जा रही है। इसलिए ग्राम कचहरी सचिव लोग एकता में बल होता है, संगठित होकर और जिलावार रोस्टर बनाकर 38 दिनों के धरना का कार्यक्रम कीजिए, अन्यथा 12,000 और 14,000 का भीख लेने के लिए तैयार रहिए, वह भी नहीं मिलेगा। सुस्त पड़िएगा, वह भी नहीं मिलेगा। इसलिए जागृत करने का काम हम करते हैं, जागरूक हो जाइए। बिजली विभाग, मानव बल कार्यपालक, सहायक किसान सलाहकार, ANM, रात्रि प्रहरी, पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास सहायक, बाकी के संविदा कर्मियों का क्या होगा, ये लोग पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि जब प्रसाद वितरण होता है तो सबको मिलता है और वहाँ जाने की ज़रूरत होती है। प्रसाद जहाँ वितरण हो रहा है वहाँ पहुँचिएगा तो प्रसाद आपको भी मिलेगा। और जो है कि नीतीश जी ने बिहार में एक अच्छी शुरुआत की है और सभी संविदा कर्मियों का वेतन जरूर बढ़ेगा, ऐसा जो है कि हमारी अंतरात्मा कह रही है। और हमको जो है कि ईश्वर की ऐसी कृपा है कि हम जो बोलते हैं वह जो है कि निश्चित तौर पर आगे जाकर होता ही होता है। उसी का प्रतिफल है कि आज हम इस चैनल पर बैठकर लाखों सब्सक्राइबर को संबोधित करने का काम करते हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर बिहार के संविदा कर्मियों के वेतन में वृद्धि होगा, प्रयास कम नहीं होना चाहिए। हम अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे और आपको भी प्रयास करना है। हमारे कुछ साथी इस भ्रम में थे कि हम जो मांग कर रहे हैं उसका असर नहीं पड़ रहा है, नहीं तो आज उम्मीद करते हैं कि उनका यह भ्रम दूर हो गया होगा और वे समझ चुके होंगे कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है। और उसका परिणाम आपके सामने है कि हमने 30,000 का मांग किया और 25,000 प्लस सरकार ने देने का काम किया है। ज़रूरत है जो है कि हम जो कहते हैं उसको फॉलो करने की, विफलता होने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होती है। आप सभी धैर्य और एकजुटता के साथ चैनल पर बने रहिए, हमारी मांगे सरकार तक पहुंच रही है, हम सभी का आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। बिहार में सबसे पहले मैंने ही 30,000 का आवाज़ उठाया और सभी लोग 30,000 मांगने लगे और आज सरकार ने भी लगभग 30,000 का मांग पूरा कर दिया है जो आपके सामने है। आगे भी एक एक संविदा कर्मी के लिए हम कार्यक्रम चलाएंगे अपने चैनल पर, एक संविदा कर्मी की मांग और एक एक करके हम सरकार तक। और ट्विटर पर हमारा अभियान चल रहा है, जो लोग ट्विटर पर जुड़े हैं वे इस चीज़ को भली भांति समझ और देख रहे हैं। तो संविदा कर्मी साथियों, अपने स्तर से जो आप कर सकते हैं, समय अनुकूल है, इस समय में आप जो कीजिएगा आपकी बातें सुनी जाएंगी और जो है कि आपका मांग पूरा किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कल कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय